नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में इसरो चेयरमैन एएस किरण कुमार ने की सौजन्य भेंट। बैंकर्स की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और गरीब हितग्राहियों को भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में निर्माणहीन सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय का निरीक्षण कर प्रगति की ली जानकारी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश का स्थान देश के उन कुछ राज्यों में से है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में अग्रणी है। अंतरिक्ष विभाग ने यहां अपना सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र स्थापित किया है। केंद्र ने प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की सूचना संपदा को जुटाने की दिशा में प्रशंसनीय काम किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन और अंतरिक्ष विज्ञान विभाग भारत सरकार के सचिव डॉक्टर एएस किरण कुमार ने यह बातें अभिशासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित साधनों और अनुप्रयोगों का संवर्धन पर राज्य अधिवेशन में कही। डॉक्टर किरण कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, नाविक उपग्रहों और जीपीएस तकनीक का उपयोग हो रहा है। पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण में अंतरिक्ष आधारित साधनों की भूमिका दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 की ग्रामीण जनसंख्या से अधिक और 500 की जनसंख्या से अधिक वाली अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल बसाहटों को प्राथमिकता से मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना में घर घर नल से जल की समीक्षा कर रहे थे। इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को घरेलू नल कनेक्शन से 70 लीटर प्रतिदिन पेयजल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइप से पानी मिलेगा। जल शुद्ध करने के पूरे उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि बैंकों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा की मजदूरी और किसानों को समर्थन मूल्य का उपार्जन के भुगतान की सुचारू व्यवस्था बनाएं। इन्हें भुगतान के लिए बार बार बैंकों में नहीं जाना पड़े, यह सुनिश्चित करें। किसान और हितग्राही के खाते में सीधे जमा होने वाली राशि की सूचना SMS से उन्हें तुरंत मिले, ऐसी व्यवस्था करें। इसके लिए मिशन मोड पर काम करें। मुख्यमंत्री बैंकर्स की बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना न्यू इंडिया निर्माण का है, जिसमें सीधे खातों में भुगतान और कैशलेस व्यवस्था प्राथमिकता में है। मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है। वाणिज्य उद्योग रोजगार और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में निर्माणधीन सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय का निर्माण सितंबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्ल आज निर्माणधीन चिकित्सालय का निरीक्षण कर रहे थे। शुक्ल ने सुबह भवन निर्माण को देखा और प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस साल हर हाल में सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस अब शाम 5 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस मंत्रालय के NIC कक्ष में होगी। पहले यह वीडियो कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होने वाली थी। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।